तो गाइस, मुझे ऐसे सूचना मिली है कि राउत आग बताया कि ये काऊ यार्ड में मूंगा चोरी हो रही है और मैं काऊ यार्ड जा रहा हूँ अभी। और लेकिन मेरे पीछे जो उनको देख रहे हो आप कौन है, आपको पता है वो? हर एक वीडियो में होती है, लेकिन अभी काऊ यार्ड वो नहीं जाएगी मेरे साथ, क्योंकि तो इनकी मम्मी बोल रही थी अभी तक ये खाना नहीं खाई है, तो ये अभी खाना खाएगी। तो मैं जल्दी से काऊ यार्ड में एक चक्कर लगा के आ रहा हूँ, क्योंकि तो मामला कुछ ऐसे ही है। तो मैं जा रहा हूँ काऊ यार्ड, और मेरे साथ में परी नहीं आ रही है, क्योंकि तो गाइस मैं अकेले रहूँगा काऊ यार्ड में अभी। ओके, जा रहा अकेले हूँ। कैसे रहोगे, गाय तो है। अच्छा हाँ, काऊ यार्ड में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में काऊ भी है। काऊ यार्ड में काऊ, तो मैं जा रहा हूँ। मुझे ऐसे सूचना मिली कि काऊ यार्ड में जो मूंगे लगे हैं वो मूंगे चोरी हो रहे हैं, और मुझे बताया गया है विशेष सूत्रों के थ्रू कि कौन है जो मुझे बताया है कि आपके यहाँ मूंगे चोरी हो रहे हैं, और वो कोई नहीं है, राउत है। राउत यानी ग्वाला, जो गाय हमारी गाय का दूध निकालता है। मैं बोला ठीक है, लंच टाइम में आके मैं देखता हूँ कि कोई यहाँ है तो नहीं जो मूंगे चोरी कर रहे हैं। चुपचाप मैं आके देखा हूँ, फिलहाल यहाँ कोई है तो नहीं है, लेकिन मूंगे एज इट इज अभी भी लगे हुए हैं। कुछ चोरी हुए हैं, क्योंकि मुझे राउत ने बताया था कि कुछ मूंगे चोरी कर रहे हैं। आप आके यहाँ बीच में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है काऊ यार्ड में जो यहाँ रखवाली करें। तो मैं अभी देखने के लिए आया हूँ कि यहाँ कुछ मूंगे चोरी हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी मूंगे लगे यहाँ। ये ऐसे भी नहीं कि 10, 20, 50 लगे, काफ़ी मूंगे लगे। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का नज़ारा जो है, देख सकते हैं ये मूंगे के जो फल्ली हैं, यानी मूंगे जो लगे हैं काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। और ऊपर ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये काफ़ी बड़े हो गए, काफ़ी बड़े हो गए हैं। यहाँ तो झुंड लगा है, ये देखिए कितने झुंड लगे हैं। देखिए एक ही डंगाल में कम से कम यहाँ 3, 3, 6, 3, 9, 12 करीब 12 मूंगे इसमें लगे हुए हैं। और मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि देखिए, ये देखिए इसके साइज़ देखिए, इसके साइज़ देखिए, ये देखिए कितने बड़े हो गए हैं। अभी मैं अभी आया था यहाँ मात्र 3 दिन पहले आया था, 3 या 4 दिन हो गए होंगे, 3-4 दिन में इसके साइज़ देख सकते हैं कितने बड़े हो गए हैं। अब जो भी लोग देख रहे होंगे उनको लालच तो हो रही होगी कि यहाँ अगर कोई रहता नहीं है तो यहाँ क्यों ना यहाँ से चोरी कर लिए जाए। और ऊपर में जो लगे हैं काफ़ी बड़े हो गए, देख सकते हैं, और ऊपर में तो पूरे भरे हुए, ऊपर में तो पूरे भरे हुए मूंगे, और नीचे में तो देखिए अभी ये देखिए कितने मूंगे हैं। या तो ये झूठी खबर है कि यहाँ मूंगे चोरी हो रहे हैं, या तो सही खबर है कि यहाँ से मूंगे गायब हो रहे हैं। लेकिन मूंगे, क्योंकि इस मूंगे को आप गिन तो नहीं सकते कि इतने सारे मूंगे हैं, कितने चोरी हो गए और यहाँ से कितने लगे हुए हैं अभी एट प्रेजेंट, तो ये तो बहुत नामुमकिन है कि हम एक मूंगे एक एक करके यहाँ गिने और गिन के छोड़े कि गिन के रखे थे कि इतने मूंगे लगे थे और इतने मूंगे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं यहाँ चौकीदार जो यहाँ रक्षा करे सिपा सैलार इस मूंगे के लिए, तो ये मुमकिन नहीं है न हम गिन सकते हैं यहाँ। इसलिए जैसे लग रहे हैं एज इट इज़ बड़े होंगे तो खाएंगे हम इसको, फिर इनकी सब्जी बनाएंगे। फिर इसी बहाने मुझे काऊ यार्ड में आने का मौका भी मिल गया है, कम से कम ये जो मूंगे हैं उनको देखने के लिए कितने साइज भी हो गए हैं। जो राउत बता रहा था कि दोपहर में यहाँ मूंगे चोरी हो रहे हैं, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ ये मूंगे की साइज भी, ये देखिए 3 दिन या 4 दिन में मूंगे की साइज इतने बड़े हो गए हैं। कुछ बात तो है, मूंगे बड़े हो रहे हैं और लोगों को लालच नहीं आएगा। और ये देखिए जब ये लगे इतने सारे हैं लोगों के नज़र में आएंगे
तो लालच तो बढ़ेगा, तो चोरी भी होगी फिर। और हम आए हैं मूंगे को देखने के लिए, फल को, तो इसी बहाने हम अपनी काउलोंग से भी मिलते हैं। हमारी काउलोंग को क्या हाल है ये देखिए। हाँ जी, राम राम, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है? हाँ, ये कैमरा है। हाँ, शमा मत जाना उसको। और ये छोटी वाली है। हाँ, हाँ जी, मैंने राउत को बोला था कि ये जो केले के झाड़े जो नीचे काफी लग गए हैं, उनके नीचे के पत्ते वत्ते साफ करेंगे, थोड़ा सफाई कर देंगे, इसमें दिखने में भी अच्छा लगेगा। नीचे में तो काफी जो पत्ते बहुत सारे खराब भी हो गए हैं, उसको निकाल देंगे ताकि अच्छा दिखेगा फिर। और साथ में मैं ये देखता हूँ, यहाँ मैंने जो पाइनएप्पल का प्लांट लगाया था उसकी स्थिति क्या है। ये देखिए, स्थिति तो काफ़ी अच्छी हो गई है। यह है पाइनएप्पल का प्लांट जो लास्ट ईयर मैंने लगाया था। एक ये है, यहाँ दो है। ये देखिए, साफ सफाई नहीं है, यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। बाकी ये मूंगे के पेड़ तो काफी बड़े हैं यहाँ। ये देखिए, ये छोटा से मूंगा, ये देखिए, ये फूल में से जो निकल रहा है, देख रहे होंगे आप मेरे हाथ में जो छोटा से फूल से कैसे देखो फल बनते हैं, ये इतनी अच्छी बात है बिल्कुल। और जो मैं नर्सरी से आम का पेड़ लेके आया था प्लांट, उसमें देख सकते हैं नए नए पत्ते भी आ गए हैं इसमें। ये देखिए, काफ़ी नए नए पत्ते भी आ गए हैं, ग्रोथ होया है इनका भी। अब ये देखने होगा, देखने लायक ये चीज़ होगी कि इसमें प्लांट कितना बड़ा होता, कितने प्लांट बड़े होने के बाद में, कितने सालों के बाद में इसके फल आते हैं, ये देखना होगा। और ये जो प्लांट लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने, ब्रिंजल का, ये देखिए स्थिति वैसी है। और ये गोबर है। ओह नो, अब यहाँ चलते हैं, यहाँ मैंने कम ही आता हूँ यहाँ, क्योंकि ज़्यादा हरा भरा है, तो यहाँ अभी फूल लगे हैं। ये देखिए वाइट वाला, बहुत सारे फूल हैं, उसको मैं तोड़ता हूँ अभी ताकि पूजा में काम आएगा।
देख के जाना पड़ेगा नीचे देख करके, क्योंकि यहाँ स्नैक भी है। काफी फूल है, ये देखिए इतने सारे फूल आज मुझे मिले हैं, देख सकते हैं रेड वाइट, कलिया भी है इसमें। तो हमने देख लिया है कि मूंगे यहाँ कुछ चोरी हुए हैं, ऐसे लग रहा है मुझे, ऐसे प्रतीत हो रहा है कुछ यहाँ से मूंगे गायब हो गए हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मूंगे काफी बचे हुए हैं, जितने चोरी होने हैं या होने वाले हैं हो जाए, कुछ तो बचेगा, कम से कम हमारी सब्जी तो बनेगी और हमारी गाय आराम कर रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ आया हूँ तो कुछ पौधे में पानी भी मार दूँ कम से कम। बैठो 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 बैठो, उठो मत बैठो रहो। कुछ पानी मैं डाल देता हूँ अपने खास प्लांट में जिसमें यहाँ लगे हुए हैं, बड़े में मैंने मेहनत से लेके आया था नर्सरी से। इसमें तो आम लगे हैं, मैंने खुद लगाए हैं मौसम्बी के, अनार के तो नहीं, मौसम्बी के हैं, और साथ में पाइनएप्पल के। उसमें कुछ पानी मैं डालता हूँ। मैंने अपने प्लांट में यहाँ पानी डाल दिया है, इनको जितनी ज़रूरत थी, कि रोज़ तो आना होता नहीं है, कोशिश करूँ तो रोज़ आऊँ, तो ताकि मैं हर प्लांट का एक ध्यान रखूँ, सब में पानी डालूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ अभी पपैया के भी लगे हुए हैं और सबको पानी की ज़रूरत है। अभी देखिए यहाँ जाम भी लगा हुआ है, अब रोज़ आना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज तो वही चक्कर में आया हूँ कि यहाँ मूंगा चोरी हो रहा है। यही समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन बता देंगे कोई नई वीडियो डली हुई है। इसको देखिए जरूर द लखनपाल फैमिली। तब तक के लिए बाय।